दोस्तों डिजिटल जमाने में आजकल बहुत लोगों से बहुत तरह के से फ्रॉड होता है, और ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे उसके उपाय है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली ये वीडियो पुलिस ऑफिसर ने बनाया है और मैंने इस वीडियो में उनकी सारी बातों को सुना और जो मुझे काफ़ी असरदार लगा और मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए और लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि आप अपने ऑनलाइन जो भी खाता है या फिर ATM है, UPI है, उसको कैसे सेव कर सकते हो और कैसे ही आप इससे बच सकते हो फ्रॉड से। तो इस वीडियो को देखिए और इसमें जो भी बातें बताया गया है उस पर फॉलो करने की कोशिश करें। क्या मुद्दा है जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, ट्रांजेक्शन करवा लिए जाते हैं कुछ लालच देकर, उस प्रकार की स्थिति में क्या करें? उसके लिए एक बड़ी अच्छी तात्कालिक व्यवस्था है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है। इसमें MHA ने एक नंबर जारी किया है, ये नंबर मैं आपको कई बार 2 या 3 बार रिपीट करूंगा, 155260। ये नंबर है 155260, फोन नंबर है ये 155260। ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए, कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो तत्काल इस नंबर पर फोन लगाइए, उस रजिस्टर्ड नंबर से जो रजिस्टर्ड नंबर बैंकिंग में बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा। यह आवश्यक है, ध्यान रखिए कि आपको जो आपका फोन मोबाइल नंबर है या जो भी आपका फोन नंबर है जो बैंकिंग के ट्रांजेक्शन के लिए, किसी प्रकार के बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आप ये 155260 नंबर पर फोन लगाइए। आप वो फोन आप बताएंगे तो आपसे कुछ उस जानकारियां ली जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपका फोन नंबर, बैंक खाता, कार्ड नंबर, वॉलेट जिसके जिसमें पैसे गए हैं, वॉलेट जिससे पैसे जिसमें पैसे जिससे कटे हैं, जिसमें गया है आदि इत्यादि, वो जानकारी आप बता सकते हैं। पिन वगैरह आप बिल्कुल मत बताइए, क्योंकि इस तरह के नंबर का कोई दूसरा झांसा देके आपसे पिन वगैरह भी पूछ सकता है। तो एक तो ये नंबर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, जब आप ये बता देंगे तो ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई है MHA द्वारा, जिसमें साइबर जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम ब्यूरो है वो, और जितने भी बैंकिंग पोर्टल हैं इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक, सारे बैंक्स, सारे जितने भी UPI हैं, जितने भी ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के पोर्टल हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तत्काल आपका मैसेज इन सभी बैंकिंग संस्थानों को चला जाता है, बैंकिंग एजेंसीज को चला जाता है, क्योंकि जब फ्रॉड होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बैंक अपनी फॉर्मेलिटी करता है, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, फिर वो बैंक करता है, तब जाके वो ड्यूरेशन का जो समय है उसमें अगर इनके पास मैसेज पहुंच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुक जाएगा। अगर मान लीजिए एक बैंक से चल दिया है दूसरे बैंक तक जाने के लिए तो उस रूट पर रोक दिया जाएगा, आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ों रुपए वापस कराए गए हैं MHA द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा, करोड़ों रुपए वापस हुए हैं, लोगों को यह मालूम नहीं है। 155260 ये एक ऐसा नंबर है, इसमें आप इसको जरूर रखिए, 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमें श्योरिटी रहती है, आ ही जाता है। अगर 24 घंटे के बाद आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर जो कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी शिकायत दर्ज कर दें, वो पोर्टल एक्टिव होके सारी सर्च करता है, सारा सब कुछ निकालता है और उसके बाद में आपके पैसे वापस कराने की प्रक्रिया होती है, या फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जिनने ये बदमाशी।